तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे द एंशिएंट शैडो के एपिसोड 17 मूनलाइट डार्क पर्सीड डार्कनेस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सेट प्लान कर रहा था कि उसे मैच में क्या करना चाहिए, लेकिन तभी स्केल वहाँ पे आके उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें पता चलता है कि प्रिंसेस रोज को एक वांटेड क्रिमिनल करार कर दिया गया था और जो भी उसे जिंदा पकड़ेगा उसे 1 करोड़ जैने और जो भी उसके बारे में कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन देगा उसे 5 लाख जैने मिलने वाली थी। और स्केल चाहता था कि वो रोज को पकड़े क्योंकि स्केल अपना सारा पैसा बैटिंग में हार गया था और उसके पास थोड़ा ही पैसा नहीं था बैट करने के लिए, लेकिन सेड ये चीज़ नहीं करना चाहता एज वो रोज़ के फेवर में था और उसे लग रहा था कि प्रिंसेस रोज़ ने अपने फियांसे को स्टैप किया था क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती और वो इस चीज़ को एडमायर कर रहा था। लेकिन तभी वो अपनी बहन को देखता है और उसे देख के ही वो उसके साथ वहाँ से भाग जाता है प्रिंसेस रोज को ढूंढने के लिए और वो चाहता थोड़ा टाइम वेस्ट करना ताकि तब तक उसी बहन का गुस्सा ठंडा हो जाए। और वो सोच रहा था कि रोज सेफ होगी या फिर नहीं और वो रोज से पूछना चाहता था कि उसे क्या चीज़ ने इंस्पायर किया था अपने फियांसे को स्टैप करने के लिए। और वो शहर में घूम रहा था लेकिन तभी वो सुनता है किसी को पियानो बजाते हुए और हमें पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ में उसे फोर्स किया गया था पियानो सीखने के लिए उसकी फैमिली की एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। तो शुरुआत में उसे लगता था कि पियानो उसके टाइम को वेस्ट कर रहा था, लेकिन इसके बाद में वो इसे लाइक करना स्टार्ट कर देता है। एज उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पियानो में अच्छा होता है तो सबको लगता है कि हमेशा बिजी होता है इसे प्रैक्टिस करने में, जिससे लोग उसे बहुत कम इंटरेक्ट करते थे और वो ध्यान दे पाया था द एंशिएंट शैडो बनने की ट्रेनिंग पे और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है और साथ में रियलाइज करता है कि पियानो बहुत ज़्यादा कूल था। एज ये शो करता है कि वो बस पावरफुल नहीं है बल्कि साथ में एक अमेजिंग आर्टिस्ट भी है। और तब से ही वो पियानो को सीरियस लेना स्टार्ट कर देता है। एंड ऑल दो द एंशिएंट शैडो बनने की ट्रेनिंग अभी भी उसकी टॉप प्रायोरिटी थी, बट जो आइडिया था कि पियानो बजा के बैल के मूड को क्रिएट करना वो इस चीज़ को गिव अप नहीं कर पाया। और वहाँ पे कोई बीथुन पियानो के सोनाटा नंबर 14 मूनलाइट सोनाटा को प्ले कर रहा था जो कि सिड का फेवरेट पीस था। एज एक इमेज शो करता है डार्क नाइट में चमकते हुए मून की जो कि बेस्ट सूटेड था द एंशिएंट शैडो के लिए। और वो सरप्राइज था कि मूनलाइट सोनाटा इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और उसे फिर से लग रहा था कि उसके अलावा भी कोई अर्थ से वहाँ पर रीइंकार्नेट किया था। लेकिन जब वहाँ पे जाता है वो देखता कि अब सैलन पियानो प्ले कर रही थी और बैटर गामा के बाद अब सैलन उसकी नॉलेज की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और अब सैलन एज अ पियानिस्ट एंड कंपोजर बहुत बड़े लोगों के साथ में कनेक्शन बना रही थी और उसके कंपोज के सॉन्ग्स पे उसके रॉयल कैपिटल से भी अवार्ड मिल चुके थे। लेकिन अफकोर्स सारे सॉन्ग्स पहले के राइज थे अर्थ से और सेड अब उस पर भी डिसअपॉइंट था कि उन पहले के राइज सॉन्ग्स के लिए अवार्ड स्वीकार कर रही थी। और अब सैलन को उलाना किंगडम में इन्वाइट किया था एज वो लोग आर्ट एंड कल्चर को बहुत सीरियसली लेते हैं और साथ में अब सैलन का भी वहाँ पे कुछ काम था तो वहाँ पे जाने वाली थी। तो सेड उसे बेस्ट विशेस देता है और उससे पूछता है कि क्या वो जानती हैं कि रोज़ अभी कहाँ पे थी, लेकिन बेटा ये सब चीज़ को हैंडल कर रही थी तो बस इतना जानती थी कि रोज़ अभी रॉयल कैपिटल नीचे बनी हुई उन टनल्स में रेफ्यूज ले रही थी। और सेड अभी भी उस पर डिसअपॉइंट था उसके प्लेजम की वजह से, लेकिन साथ में खुश भी था एज उसका फेवरेट पीस भी मूनलाइट सोनाटा ही था। और साथ में हम देखते हैं कि नासू में एलेक्सा भी रॉयल कैपिटल में बनी हुई उन टनल्स की ओर जा रही थी और उन्हें पता लग गया था कि पर्व अशिष्ट कल्ट के लिए काम कर रहा था, बट उनके पास कोई एविडेंस नहीं था
और साथ में मैटर गवर्नमेंट चर्च को इन्वॉल्व करता है, तो उन्हें एक कंक्रीट एविडेंस चाहिए था। और साथ में लेक्चर के फादर यानी किंग बो ने वार्न करता है डिवाइन टीचिंग से मैस ना करने के लिए, और उन्हें आयर्स ने बताया था कि जब वो मिली थी उन्हें किंगडम के किंग से तो अपनी सही कंडीशन में नहीं था, और उन्हें भी शक हो गया था कि पर्व एशिस्ट किंग को कंट्रोल कर रहा था। और हमें पता चलता है कि जो अंडरग्राउंड पैसेज थे उन्हें रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया था ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी वो इसी थ्रू एस्केप कर सकें, बट इसके मैप्स और कोड्स बहुत पहले गायब हो चुके थे और अभी बस बन गया था एक बहुत बड़ा मेज। और वहाँ पे आए थे रोज़ को ढूंढने के लिए, और हम देखते कि रोज़ बहुत ज़्यादा पेन में थी, और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जो अपने फादर को मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर उसके फादर वहाँ पे आते हैं वो अपनी सेंस में नहीं थे, और उसके बाद क्लियर थी कि सारा काम पर वह शास्त्र का था, और जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो उससे मिले हुए थे, और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होके पर वह शास्त्र पर अटैक करती हैं, बट उसे बस क्रेज कर पाती हैं। और वहाँ पे सभी लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे ताकि रोज़ को पागल प्रूफ करके उसे अरेस्ट कर सकें, लेकिन रोज़ वहाँ से भाग जाती हैं। बट भागते हुए पर्वशास्त्र से वार्न करता है कि अगर भूषण फैसले के एंड होने से पहले वो सरेंडर नहीं करती तो उसके फादर के थ्रू वो गेस्ट ऑफ ऑनर को मार देगी, एंड ऑब्वियसली इससे एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और अब रोज़ भी अपने भागने के फैसले पे रिग्रेट कर रही थी, एज अगर वो ये चीज़ नहीं करती तो इस चीज़ को इंटरनली सॉल्व कर सकते थे और नेशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। और रोज़ बस अपने फादर और होमलैंड को बचाना चाहती थी, और से पता था कि पर्वश्रेष्ठ को मार के कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज पर्वश्रेष्ठ बस डिस्पोजल पॉन था कल्ट के लिए, और कल्ट की रूट्स ऑलरेडी उन्हें किंगडम के बहुत ज़्यादा डीप में चली गई थी, और वो वहाँ से भाग तो गई थी बट अब वो कुछ नहीं कर पा रही थी और बस अपने किंगडम के नाइट्स को इंजर्ड कर रही थी। तो वो सोचती हैं अपने आप को सरेंडर करने का ताकि एटलीस्ट वो वॉर को अवॉइड कर सकें, और वो अभी वंडर कर रही थी क्या सिड अभी भी उस पर बिलीव करता होगा, और वो विश कर रही थी कि काश सब कुछ पर्वश्रेष्ठ को मार के ख़त्म हो पाता, उसे अपने फादर मिल जाते हैं और सिर से शादी करके हमेशा खुश रहती हैं। बट ये सब चीज़ बस एक फेरी टेल थी और उसकी ड्रीम्स कभी फुलफिल नहीं होगी। और हमें फाइनली पता चलता है कि डैडमा उसकी चेस्ट पे थे, वो इसलिए थे क्योंकि वो एक पजेस थी शैडो क्लैन के बाकी मेंबर्स की तरह, और बस वहाँ पे होपलेसली बैठ जाती हैं। लेकिन तभी उसे पियानो की आवाज़ आती है, और कोई पियानो पे मूला सोनाटा बजा रहा था, और वो इस आवाज़ को फॉलो करती है और देखती है शैडो को पियानो बजाते हुए, और वो इस चीज़ से मैस्मराइज हो गई थी। लेकिन देवी शैडो से पूछता है कि वो क्या चीज़ को अकम्प्लिश करना चाहती है, और रोज़ बस अपने लोगों को बचाना चाहती थी बट वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो उसे शैडो पूछता है क्या इस चीज़ से वो हार मान के लड़ना बंद कर देगी, और रोज़ ये चीज़ नहीं करना चाहती थी बट अब उसके पास में पावर नहीं थी। तो इस पर शैडो कहता है कि उसे पावर देगा, लेकिन वो फ्यूचर चेंज कर सकती है या फिर नहीं ये उस पर डिपेंड करता है, और रोज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि एज अ प्रिंसेस उसके पास बहुत सी ड्यूटीज थी जो उसे फुलफिल करनी थी। और जब शैडो से पावर देता है जो उसके रेड मार्क्स थे जो कि आए थे पोजेशन की वजह से वो भी गायब हो जाते हैं, एज शैडो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है कहते हुए कि रोज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि वो लड़ना चाहती है। और शैडो के जाते ही कल्ट ऑर्डर्स कुछ मेंबर्स रोज़ पर अटैक करते हैं, बट उन्हें रोज़ इंस्टेंटली मार देती है, और उसके अकॉर्डिंग शैडो मूनलाइट की तरह था जो डार्कनेस को पियर्स करता है, और दूसरे लेक्चर नासुमे उस एनर्जी को सेंस करके उसकी ओर बढ़ते हैं, और फाइनली उन्हें रोज़ मिल जाती हैं। बट अब रोज़ पावर ऑब्टेन कर चुकी थी तो उस पाथ को फॉलो करना चाहती थी जिस पे वो बिलीव करती हैं, और वहीं एलेक्सिया ये जान चाहती थी कि वहाँ पे क्या चल रहा था और क्यों रोज़ ने अपनी फैंसी को स्टैप किया था, लेकिन रोज़ उन्हें कुछ नहीं बताती हैं एज वो नहीं चाहती थी उन्हें इस चीज़ में इन्वॉल्व करना। बट एलेक्सिया के अकॉर्डिंग वो स्वान अलाइज थे और उन्हें प्रॉमिस किया था साथ में चीज़ों को फेस करने का, बट स्टिल रोज़ उसे कुछ नहीं बताती हैं एज जिस पॉइंट पे वो थी वो वहाँ पे वापस नहीं जा सकती
और वो ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुकी थी और फ्यूचर में ये चीज़ करके वो और चीज़ खोने वाली थी, तो सभी सजेस्ट करके उससे ज़्यादा ईविल टर्म करेगी, लेकिन फिर भी उसे ये करना पड़ेगा। और एलिक्सा भी पावरलेस होके स्पेक्टेट नहीं करना चाहती हैं, और अगर उसे नहीं बताएगी और वो उसको फोर्स करना चाहती थी चीज़ें बताने के लिए, और इसलिए वो उस पर अटैक करती है और वो फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एलिक्सा इस फाइट को हार के अनकॉन्शियस हो जाती हैं और उस एलिक्सा को नासु के पास छोड़ देती हैं, और नासु में रोज को कहती हैं कि उनकी अलायंस एक अच्छी चॉइस थी, एज वो सभी लोग सेम आइल को फॉलो कर रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग अगर अभी रोज़ डिफरेंट पाथ पे जा रही थी इसके बावजूद उनके पास फ्यूचर में क्रॉस करेगी, और उसके बाद रोज़ वहाँ से चली जाती है। और नासु में एक ही बैठा अभी भी सोच रही थी क्या शाडो ने ये चीज़ चूज़ की थी, और वहीं पे सेड द एम्स शाडो के रोल से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, लेकिन जो वापस चाहता है उसे अपनी बहन मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो एपिसोड के बारे में बात करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगर हम बात करें एपिसोड की तो ये काफ़ी सही था, और हमें फाइनली पता चलता है कि रेड मैक्स रोज के ऊपर थे वो इसलिए थे कि वो भी एक पजास थे शैडो गार्ड के बाकी मेंबर्स तरह, और जब शैडो से पावर देता है उसके मार्क्स गायब हो जाते हैं जैसे सभी के हुए थे। और हम साथ में देखते हैं कि अब साइलन को एना किंगडम में कोई जॉब की बात कर रही थी, तो फ्यूचर में पता चलेगा ये जॉब क्या होती है। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं अपनी बहन से मिलते हैं जो काफ़ी गुस्साती है, और इस एपिसोड साथ में हम देखते हैं जब शैडो उस पैनल को बजा रहा था वो सीन काफ़ी सही था, बट हमें बाद में पता चलता है कि वो पियानो चोरी का था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फनी थी। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट मैम, तब के लिए बाय सनारा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।